हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अगेन बात करेंगे HDIL शेयर के बारे में। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस कंपनी की अगर मैं आज जब ये ड्यूरिंग द मार्केट ये वीडियो हम बना रहे हैं तो उस समय भी आप देख सकते हैं, आज भी इसमें हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। पिछले 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 19% की रिटर्न्स इसने निवेशकों को दिए हैं। 1 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं 25-26% के रिटर्न्स इसने निवेशकों को दिए हैं। वहीं 1 साल में बात करें तो 1 साल में ये स्टॉक अभी लॉस में 3% के नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिए हैं। दोस्तों, अब जैसा आप सभी को पता है कि इस स्टॉक में हुआ क्या है, तो इस स्टॉक को जैसा आप सभी को पता है जो ये कंपनी है बैंकक्रप्ट कंपनी है, इसको दिवालिया कंपनी को जो गौतम अडानी जी हैं आप सभी को पता है वो इसको मींस उनका इंटरेस्ट है और उनकी बिड लगाई गई है उनकी तरफ से। और जब से उनका नाम इस कंपनी के रेस में जुड़ा है तब से इस स्टॉक में एक भयानक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट बातें इस कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्या अभी अपडेट्स चल रही हैं और क्या आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब ऐसा होता है तो कुछ उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो आर्टिकल है आप जिसमें देख सकते हैं कि जो अडानी साहब हैं वो मीन्स इसकी कारोबारी इसमें ख़रीदने की होड़ में, आप देख सकते हैं अडानी प्रॉपर्टीज़ जो सब्सिडरी है अडानी एंटरप्राइजेज़ की, उसने इसके लिए बिड लगाई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं शारदा कंस्ट्रक्शन, ब्राइट रियल एस्टेट, अर्बन टॉस्कोनो और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसमें मीन्स जिन्होंने बिडिंग के लिए रेस लगाई है। बट मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मुझे ऐसा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है कि 99% या 101% जो ये कंपनी है इसको अडानी साहब ही एक्वायर करने में सबसे आगे चल रहे हैं। और आप यहां देख सकते हैं कि इसकी संपत्तियों की नीलामी पिछले महीने से शुरू हुई है और प्रोजेक्ट्स के लिए आप देख सकते हैं विरार शायद और बीकेसी प्रोजेक्ट्स के लिए अडानी प्रॉपर्टीज़ ने अपने जो है प्रस्ताव वो बिड लगाने की इसमें भेजी है। तो उसी वजह से जो स्टॉक है उसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिएगा कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जो HDIL के, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है 9 और 10 मार्च को ये मीटिंग बुलाई थी। हालांकि आज 10 मार्च है, जो ये मीटिंग है ये अभी चल रही है, इसका आउटकम आप देख सकते हैं यहाँ, जो ये मीटिंग है 9 मार्च को स्टार्ट है और आज शेल कंटिन्यू आज 10 को स्टार्ट है। तो आज इसका जो आउटकम है वो देखने लायक होगा कि इसमें जो है क्या डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्लियरली ये मेंशन नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं फीलिंग डिड नॉट मेंशन अबाउट द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, बट उन्होंने जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उसकी मीटिंग इसमें बुलाई है और डिस्कस शायद से बिड जो इन पे बिड है लगाई जा रही है उसको डिस्कस किया जाएगा। देखिए दोस्तों, होता ऐसा है, अब मान लो अलग अलग फर्म्स हैं जैसे अदानी प्रॉपर्टीज़ है और भी काफ़ी फर्म्स हैं जिन्होंने इस कंपनी के लिए शारदा है बिड प्रोसेस भेजा है, तो उन चीज़ों को एनालाइज़ करने के लिए ये फाइनेंशियल मीट्स जो हैं वो होती हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी किसी को एक्वायर करती है तो उसके लिए काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं, उसको किस तरह से किस प्राइस पर एडजस्टमेंट होती है, क्या डीलिंग कैसे होती है, तो उसके लिए जो कंपनी के मीन्स फाइनेंशियल मीट्स हैं या प्रमोटर्स हैं वो उस बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसा उनको सूटेबल लगता है उस हिसाब से फिर बाद में जो ये चीज़ें हैं वो डील वो हैपन्स होती हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये जो कंपनी है जितनी जल्दी ये डील कंप्लीट होती है उतना ही ज़्यादा बेनिफिट जो है इस कंपनी के लिए भी है और जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी है। और इसी वजह से जितना जल्दी ये होगा स्टॉक में भी, जैसा आप सभी को पता है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और स्टॉक में लगातार अपर सर्किट पर अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनके बारे में बता ही दिया था, एक बार अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दोबारा दिखाना चाहूँ, ये काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आ रहा है। देखिए आप शेयर होल्डिंग
लगातार जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में मींस अभी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ही मींस बढ़िया अपडेट ये सामने निकल कर आ रही है। अब दोस्तों मैं आपको वो इम्पोर्टेंट जो बात है वो बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, नो डाउट ये कंपनी एक दिवालिया कंपनी है। इस कंपनी में अपना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अडानी साहब जब से उनका नाम इसमें आया है तब से इस स्टॉक में ज़बरदस्त भयंकर अपडेट्स मींस तेज़ी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब मैं आपको यहाँ एक रेड अलर्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगाकर मैं आपको देना चाहूँगा। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये अच्छी बात है कि अडानी साहब इसको एक्वायर कर रहे हैं और जो इसके अभी शेयर होल्डर हैं उनके लिए तो ये मींस एक सोने पे सुहागे वाली बात है। बट दोस्तों मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, ऐसे स्टॉक्स में जब इस तरह की न्यूज़ आती हैं तो वहाँ पर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो स्टॉक में मैनिपुलेशन का काम करते हैं। देखिए अब जो ये न्यूज़ है इसके बिहाफ पर ये स्टॉक जो है यहाँ 5 रुपये, 4 रुपये, 4.5 रुपये का था जब ये न्यूज़ आई थी, वहाँ से इसको ये 10 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, नो डाउट 25 भी जा सकता है। और अगर डील होती है, अडानी साहब इसमें आते हैं, तो 100 भी जा सकता है, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि अडानी के जो शेयर्स हैं पिछले 1-1.5 साल में कोरोना के बाद से उनमें जो तेज़ी है वो सभी कंपनियों में उनके बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न्स जो हैं कमा कर दिए हैं। तो दोस्तों बट आपको एक चीज़ हमेशा ये लेकर चलिएगा कि आप प्लीज़ इस कंपनी में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये एक डेंजरस साबित भी हो सकती है। क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो न्यूज़ बेस तेज़ी में बिलीव करते हैं, क्योंकि एक न्यूज़ बेस तेज़ी है। अगर अडानी साहब इसको खरीद लेते हैं तो और ज़्यादा इसमें तेज़ी आ सकती है। बट अगर कुछ गलत हो जाता है, मीन्स अगर अडानी साहब नहीं इसमें आ पाते और इसकी बिड जो है और कोई कंपनी जीत लेती है, तो फिर इस स्टॉक में जिस हिसाब से अभी तेज़ी है उससे ज़्यादा स्पीड से इसमें हमें लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा जो हमारे साथी हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, मैं उन सभी को ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अगर इस स्टॉक को बाय करते हैं तो इसको सिर्फ इतना बाय कीजिए जितना बाद में आपको दर्द ना हो। क्योंकि अगर आप इसमें अपना सारा अमाउंट लगा देते हो और आपके पास लिमिटेड अमाउंट है और अगर कल वो नहीं चला तो आप फिर स्टॉक मार्केट का मींस कसूर निकाला जाएगा कि यहाँ तो लोगों को लूटा जाता है और फिर आप स्टॉक मार्केट से परमानेंटली चले जाओगे। बट अगर आप इसमें इतनी पूंजी लगाते हैं जितना आपका रिस्क मींस लेने की आपकी एबिलिटी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पैसा लगाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, तब इसमें आप आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं या 1,00,000 रुपये हैं, जैसे कि जितना आपकी मींस रिस्क लेने की एबिलिटी है, अगर आप उसको ऐसा सोच कर लगाते हैं कि अगर ये मेरे पैसे कल जीरो भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस कंपनी में आप अपना सारा अमाउंट ना लगाएं, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड तेज़ी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी। एक तो कंपनी की आज 10 तारीख है, कल से एक जो फाइनेंशियल मीटिंग है वो चल रही है, तो आज उसका आउटकम जब भी आएगा मैं आपको वो भी अपडेट करूँगा। और जो इसका बिडिंग का प्रोसेस है वो भी इसमें बड़ी तेज़ी से हो रहा है और जल्द ही हमें कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। होपफुली मैं भी पर्सनली यही चाहता हूँ कि अडानी साहब इसको एक्वायर करें और उसके बाद फिर इसमें अच्छे रिटर्न्स हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बस अलर्ट यही है कि आप लोग लिमिटेड जितना आपका रिस्क लेने की एबिलिटी है, क्योंकि हर इंसान की अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है, उतना आप रिस्क लीजिएगा और आप इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न्स इसमें कमा सकते हैं। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो मुझे आपको इस वीडियो में देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।